नमस्कार दोस्तों, 2021 के लिए हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर में आने वाला है और 2014, 15 और 2020 यानी 14, 15, 20 में आया हुआ है। तो इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया तो 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर देंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, यह हमारा 2019 में आया हुआ है और एनसीईआरटी का है। तो ये दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसे होंगे ये और इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि चित्र कैसे बनाना है। तो 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि इसमें आपको पता चल रहा है कि दो मीनार है। ठीक है, हम चित्र बनाते हैं इसका। एक मीनार यह है और एक मीनार यह है। ठीक है, 30 मीटर ऊंची है। तो 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार, समतल भूमि पर यह मीनार खड़ी है, इसके आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका जो आधार होगा वो ये होगा और यहां से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। और इसमें कहा गया है तथा दूसरी मीनार की चोटी का, तो दूसरी मीनार हमारी वाली है, इसकी चोटी का पहली मीनार के आधार से, पहली मीनार का आधार ये है, आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो हमारा ये कोण होगा ये 30 डिग्री होगा। तो दोनों मीनारों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ए बी एक्स हमने मान लिया, दो मीनार हैं, इसके बीच की दूरी एक्स है, ये निकालनी है। तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करो, दूसरी मीनार ये वाली है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें दो चीज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेन 60 लगा के लंब बटे आधा लगा के निकाल लेंगे ये, और उसके बाद हम ये निकाल लेंगे। तो पहले हम आएंगे टेन 60 त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे टेन 60। टेन 60 बराबर जो होगा वो होगा हमारा 30 बटे एक्स, 30 बटे एक्स। अब टेन 60 हमारा कितना होता है, टेन 60 हमारा होता है रूट थ्री, आपको पता है टेन 60 का मान रूट तीन होता है, तो रूट तीन लगा देंगे बराबर में 30 बटे एक्स। तो 30 हम ऐसे कैसे लिखेंगे और बटे में एक्स। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की रूट तीन से करी, एक्स रूट तीन बराबर 30, तो एक्स बराबर 30 बटे रूट तीन हमारा, ये दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब हम जो दूरी रखते हैं वो एक्स रूट तीन का मान बटे में नहीं होता है, तो हम रूट तीन के ऊपर नीचे फिर से गुणा करेंगे, यानी कि इसका परिमेयकरण। तो 30 रूट तीन बटे रूट तीन और रूट तीन गुणा तीन, तीन धाई 30, तो एक्स बराबर 10 रूट तीन आ गया मीटर। ठीक है, तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी 10 रूट तीन मीटर आ गई। तो हमसे पूछा था दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आ गई। तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करो। अब दूसरी मीनार हमारी है ये एडी यानी कि एच, अब ये निकालेंगे हम, लगा देंगे इसमें टेन 30 बराबर, क्योंकि हमें अब हमारा लंबी हो गया और आधार ये हो गया, आधार हमारा निकल चुका है। तो टेन 30 बराबर एच बटे एक्स, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में टेन 30 बराबर एच बटे एक्स, टेन 30 होता है हमारा एक बटे रूट तीन बराबर, एच का मान जो है हमारा वो हमें निकालना है और एक्स अभी हमने निकाला है 10 रूट तीन, रूट तीन से रूट तीन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो एच कन एच और 10 की 10 मीटर। ठीक है, तो हमें इसको करना कैसे है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो मीनार बना ली, कोण दिए हैं 30 और 60, उन्नयन कोण है, ये इसकी पहली मीनार है 30, 30 मीटर की, और ये हमें निकालनी है एच और एक्स। अब हम लिख देंगे दोनों मीनारों के बीच की दूरी बराबर हमारी आई है 10 रूट तीन मीटर, और दूसरी मीनार की ऊंचाई जो आई है वो हमारी आई है 10 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का है और ये भी हमारा
छह नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिया हुआ है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ठीक है। तो समुद्र तल एक हमारा, ये हमारा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, इसका शिखर यह है, ठीक है, इसका शिखर यह है। इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण है। अब जहां अवनमन आ गया तो ऊपर से नीचे देखना है, तो कोण हमारा यहां बनेगा, अवनमन कोण 30 है और 45 है, ठीक है। तो 30 पहले था और दूसरा 45, तो ये हमारा ये हो गया 30 और ये हो गया हमारा 45। अब आपको पता है ये कोण है, दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जो समांतर रेखाएं, जो ये कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला 30 था, ये 30 हो गया। अब ये वाला यहां पर है, यहां से ये हमारा 45 होगा। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों जहाज हमारे कौन से है भाई, एक ये है ए पर और एक बी पर, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये हमें निकालनी है दूरी ए बी। तो ए बी को मैंने मान लिया एक्स और बी सी को मैंने मान लिया y, यानी कि हमें x निकालनी है। तो हम लगाएंगे tan 45 त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में जो होगा tan 45 होगा हमारा 75 बटे y, tan 45 बराबर 75 बटे y, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 75 बटे y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की x से करी y आ गया, 75 की x से करी 75 आ गया, तो y बराबर जो है हमारे 75 मीटर आ गई, ठीक है। अब हमें निकालनी है x, तो हम लगाएंगे वो tan 30 75 बटे पूरी है AC x plus y, तो हम लगाएंगे tan 30 त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में हमारा होगा tan 30 बराबर 75, 75 ये हो गया, अब बटे में पूरा ये वाला x प्लस वाई, एक्स है और ये वाई है, x प्लस वाई, tan 30 होता हमारा 1 बटे रूट 3, 75 बटे x हमें निकालना है, प्लस y हमने निकाल लिया 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 75 की x से करेंगे, तो x प्लस 75 बराबर 75 रूट 3, x बराबर 75 रूट 3 माइनस 75, तो x बराबर 75 कॉमन आ जाएगा और रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये हमारी इसकी दूरी आ गई, ठीक है। x ही आ गया और y आ गया। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या थी, x थी, ये हमें निकालना था, तो लिख देंगे हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।